और देखिए तवांग झड़प को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। तवांग झड़प पर बोले हैं पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे, चीन हर साल ऐसी 2 से 3 हरकतों को अंजाम देता है, यह पूर्व सेना प्रमुख की तरफ से बड़ा बयान। 21वीं सदी में पीएलए गली के गुंडों की तरह हरकत करती है, भारत चीन से दो दो हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, यह पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे का बड़ा बयान। On December 9th in Yangtze area of Tawang sector, PLA troops encroached upon and attempted to change the status quo. Could you tell us whether it is similar to what happened in 2020? This is not only of 2020. They try to come every year. And every year they make 2-3 such attempts to come and they're rebuffed every time. Is that the level that PLA has gone down to? Yes. Hooliganism and street fighting? Or are they a professional 21st century army? On one side, they try to show their technological prowess. On the other side, they're coming with barbed wire clubs. It is ridiculous. India as a country showed to the world that it is possible to take on that neighborhood bully. So this, I can say that with utmost confidence to the entire nation that we will always be ready to face whatever is thrown at. और चलिए इस बयान को लेकर अंजू निर्वाण से हम बात करते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। अंजू, ये जो बयान है पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे का, ये बताता है कि आखिर चीन की मंशा क्या है और बार बार वो कर ये सब करके इस तरह से जो इंक्रूजन्स करता है वो करना क्या चाहता है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने, जिस तरह से जनरल एमएम नरवणे ने कहा कि चाइना जो है वो बार बार इस तरह का अटैम्प करता है, 2020 में भी हमने देखा किस तरह से गलवान घाटी में उसने घुसने की, घुसपैठ करने की कोशिश की, और अभी आपको मैं बताना चाहूँगी जो जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया कि बार बार विंटर्स का जब समय आता है तो उसकी कोशिश होती है, उन्हें लगता है कि जो फोर्सेज होंगी इंडियन फोर्सेज वो एक्टिव नहीं होंगी, लेकिन ये उसकी गलती है, उसकी गुस्ताखी है, क्योंकि ये 2022 है और इंडिया ने जिस तरह से गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी उस समय भी हमारे जवानों ने खदेड़ा था और दोबारा गली के गुंडों की तरह जो जिस तरह से बिल्कुल अंजू एक और सवाल मेरा आपसे, अंजू एक और सवाल आपसे है, ये मुगालता चीन अभी पाले हुए, ये मुगालता चीन पाले कि अभी भी वो 62 में ही जी रहा है, वो आज की ताकत को देख बार बार उसको दिखाया जाता है, चाहे 2020 का गलवान हो या फिर अब तवांग में जो हुआ है, ये जो जानकारी सामने आ रही है, इसके साथ साथ ये मनोज मुकुंद नरवणे की तरफ से ये भी शेयर किया गया कि जो मौजूदा तैयारी है वो किस तरह से भारत की, हर बार जो चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, किस तरह से भारत ने अपने आप को तैयार किया हुआ है? जी देखिए, भारत ने अपने आप को, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो बेहद बदमाश है, चाइना जो है वो छुपके और इस तरीके से लड़ाई करता है, तो ऐसे में हमारे जो फोर्सेस की तैयारियां वो बेहद पुख्ता हैं, हमारी जो आर्मी की जो डिप्लॉयमेंट है वो लगातार यहां पर मैं आपको बताऊं बढ़ रही है, 50,000 से ज़्यादा सैनिक जब गलवान घाटी में जो हिंसा हुई उसके बाद से जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ा दी गई, अभी भी हम जितने रस्तों से होके गुजर रहे हैं मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर चेक पोस्ट पर आर्मी के जवान यहां पर भी मौजूद हैं और उसके अलावा डिप्लॉयमेंट लगातार बढ़ाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स भी पूरी तरह से अलर्ट, हाई अलर्ट मोड पर है, ये जितने भी अरुणाचल प्रदेश से सटे हुए जो एयरबेसेस हैं वहां पर भी जो एयरक्राफ्ट है, जंगी जहाज है और लड़ाकू हेलीकॉप्टर से उनकी डिप्लॉयमेंट बढ़ाई जा रही है। आपको बता दूं कि एलसीएस जो लड़ाकू विमान, लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो अभी हाल ही में जो हमारी फोर्सेस जो एयरफोर्स है उसके बेड़े में शामिल हुआ, उसकी भी तैनाती अभी कुछ ही दिनों में आपको बता दूं मिसामारी में की जाएगी, तो इस तरीके से भारत की तैयारी है। लेकिन एक बात मैं आपको यहां पर और बताना चाहूंगी कि हमारी जो खुफिया एजेंसी है उनको भी चाइना इस तरह की हरकत दोबारा करने वाला, यानी कि गलवान वाली घटना को रिपीट करने की कोशिश कर रहा, उसकी जानकारी थी। बिल्कुल, और हर एक कोशिश का अंजू मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे सैनिक वहां मौजूद हैं और हमारी तैयारियां जैसा आपकी तरफ से जानकारी दी गई है कि तमाम जो तैयारियां वो पुख्ता है और कोई भी अब मुगालता जो चीन पाले हुए उसको अब ये भूलना होगा। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।